ईएमआई, मैंने ईएमआई आपके तीन स्टेज में बताई थी, स्टैटिक ईएमआई, डायनेमिक ईएमआई एंड रोटेटरी ईएमआई, ठीक है। तो हमने स्टैटिक ईएमआई की बात करी सबसे पहले। स्टैटिक में हमने बात करी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की। उसमें हम लोगों ने क्या बात करी, सेल्फ इंडक्शन और आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी किसकी, डायनेमिक ईएमआई। ये इसी का नाम क्या था, मोशनल ईएमएफ। इसका नाम क्या था बच्चों, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि एक रेल की पटरी है, रोड मूव करती है तो एरिया चेंज होता है। इसको इस फॉर्मूले से बताया था, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, याद रखो, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बेसिक ध्यान रखो। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या चेंज होगा, ए और थीटा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। सेल्फ में ए और थीटा कॉन्स्टेंट, और डायनेमिक में क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, बी और थीटा क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। डायनेमिक में बी और थीटा क्या आपका कॉन्स्टेंट, क्या चेंज होगा, एरिया चेंज हो रहा था। तो रेल की पटरी जब आगे या पीछे जाती है तो क्या चेंज हो रहा था, एरिया। तो ये हमने सारे केस डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेटरी ईएमआई, किसकी बात करेंगे, रोटेशनल ईएमआई, जिसमें बी और ए क्या रहेगा, नाउ वी डिस्कस रोटेशनल ईएमआई। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल ईएमआई। ये एसी जनरेटर में इसकी एप्लीकेशन यूज होती है, एसी जनरेटर में इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। दिव्यांशी क्या कह रहे हो बेटा, समझ नहीं आया, जीरो जीरो का क्या मतलब, आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल ईएमआई। मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया क्या रहेंगे, कांस्टेंट। फ्लक्स चेंज होगा किसके साथ, फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के साथ फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जब कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्वाइल है कोई भी, ये क्वाइल क्या करेगी, रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखो, ये क्वाइल मान लिया पहले ऐसे रखी हुई है, फिर मान लिया ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे जैसे ये क्वाइल रोटेट करेगी, देखो ऐसे, ये क्वाइल ऐसे रखी थी, फिर ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे, जैसे जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, कि उसके कॉइल के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होगी। जो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रखी हुई है तो मैक्सिमम फ्लक्स को ऐसे समझ सकते हो, फ्लक्स कटिंग, जितनी मैक्सिमम कट हो रही होगी उतना फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा, जितनी कटिंग कम हो रही होगी उतना फ्लक्स कम होगा। जब वो ऐसे रखी है तो मैं मानती हूँ कि फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम है, जब वो थोड़ी ऐसी होगी तो फ्लक्स कटिंग और कम होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी तो फ्लक्स कटिंग क्या होगी, जीरो। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो फ्लक्स कटिंग क्या होगी, जीरो, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे। तो इस तरीके से कॉइल जब रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसा कि फैराडे ने कहा था, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस। तो हम निकालते हैं इस चीज को यहां से कि कॉइल के अंदर मान लिया आपके पास, इस चीज को मैं ये दिखाती हूँ, ये आपके पास कॉइल नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैं एक डायरेक्शन से दिखाती हूँ, ठीक है। ये कॉइल मान लिया पहले यहाँ थी, अब पोजीशन पे दोनों में दिखा रही हूँ, अब वो रोटेट होकर किसी ऐसी पोजिशन पे आ गई, ठीक है। ये कॉइल की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल और ये नॉर्मल ऑफ द कॉइल, और नॉर्मल ऑफ द कॉइल और एक्सिस के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। यहां नहीं समझ रहा, यहां देखो ये कॉइल है,
फील्ड है, ये कॉइल का नॉर्मल है, नॉर्मल कह दो या एरिया वेक्टर कह दो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना आपका थीटा, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या आपका थीटा है। जब ये कॉइल, जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे थीटा चेंज होगा, और जैसे जैसे थीटा चेंज होगा कॉइल में फ्लक्स कटिंग होगी, फ्लक्स कटिंग चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो आपके पास फ्लक्स कटिंग फाई क्या होता है, आपके पास बी डॉट ए, फाई फ्लक्स फाई क्या होता है, बी डॉट ए। अब ए नॉर्मल कह दो या एरिया वेक्टर, नॉर्मल कह दो या एरिया वेक्टर, कॉइल का एरिया वेक्टर, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। बी और ए के बीच में एंगल क्या है, थीटा, बी ए कोस थीटा, ठीक है, बी ए कोस थीटा। अब देखो कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, किससे, किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा क्या होता है आपके पास, थीटा बाई टी। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो आप फाई क्या बन गया यहां से आपके पास, बी ए कोस ओमेगा टी, बी ए कोस ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, माइनस डी फाई बाई डी टी, पुट करिए ई इज इक्वल टू माइनस बी ए कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस बी ए कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी आ जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है बच्चों, यहां से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो बी ए, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटिंग कॉइल, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटिंग कॉइल। ये थ्योरी हमारी एसी जनरेटर में भी सेम यूज होती है, ठीक है, ये थ्योरी एज इट इज सेम किसमें यूज होती है, हमारी एसी जनरेटर, दिस इज द आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एसी जनरेटर। इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। अब देखो, अब अगर मान लिया साउंड क्लियर आ रही है ना, अब अगर मान लिया आपके पास ई की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी कितना हो जाए, 90 डिग्री, ओमेगा टी क्या हो जाए, 90 डिग्री, वो केस बताऊंगी कब होगा। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा, बी ए ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में तो एन से और मल्टीप्लाई कर लो, जनरल केस ले लो, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, इफ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल तो एन से और मल्टीप्लाई कर दो, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है इन द कॉइल में तो एन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर एक टर्न है तो एन की वैल्यू वन, अगर नंबर ऑफ टर्न है तो क्या बन जाएगा, एन, जनरल केस ले लिया, ये बन जाएगा एन बी ए ओमेगा, साइन 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफ। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगी, क्या बन जाएगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, देखो ऐसे ये एनबीए ओमेगा की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, ई नॉट, एनबीए ओमेगा की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, ई नॉट, ठीक है। तो ई क्या आ गया, ई नॉट ओमेगा टी, मतलब क्या है, जब क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, ऐसे है जब क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए, ये बी, ये मैग्नेटिक फील्ड में अभी उल्टा हो गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, अब ये फिर उल्टा हो गया, यहाँ पे ये बी आ गया, ये ए आ गया, ठीक है।
इस तरह से जब क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये कैसे वेरी करेगा? साइनसोइडली। कैसे चेंज होगा ये? साइनसोइडली, ठीक है, मतलब साइन के फॉर्म में क्या होगा, ये चेंज होगा। देखिए एसी जनरेटर भी ऐसे ही काम करता है आपके पास, तो आपके पास ये जो चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ, ये इस तरीके से चेंज आएगा। ये चेंज कुछ आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया नोट, ठीक है। देखो अब एक बार आगे, अब आगे देखो, अब मान लिया आपके पास पहला केस, केस देखो क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज हो गए, वो केस देखो। व्हेन केस नंबर फर्स्ट, व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल, प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ओमेगा टी मतलब थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? जीरो। आप बताओ 90 डिग्री होगा या जीरो होगा, बोलो एक बार, आप लोग बताइए। व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने लिखा ओमेगा टी जीरो हो जाएगा या 90 डिग्री होगा, सोचिए बताइए, सोचो। मैसेज करिए भाई, बताइए। जीरो, जीरो 90 डिग्री नहीं होगा, अरे परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अर्चिता क्या होना चाहिए? जीरो या 90 डिग्री, बताओ। मैंने लिखा व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो या 90 डिग्री? जीरो। हर्षिता आप बताओ बेटा, कौन कौन है, सारों से बात तो करो। उदित आंसू है, मीनाक्षी बताओ, अरे बताओ भाई, विनय, विनय बताइए बेटा, विनय बताइए भाई, नहीं पता, जीरो। अब देखो क्यों होगा, जीरो सही है, अब देखिए क्यों। ये आपके पास क्या प्लेन है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही फिगर बनाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपके पास क्वाइल है, ठीक है, ये क्वाइल का नॉर्मल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में गलती हो जाती है वरना फिर इस क्वेश्चन में। अब ये समझो, यहां से समझो, इस बोर्ड को प्लेन मान लो थोड़ी देर के लिए, इस बोर्ड को क्या मान लो, प्लेन मान लो, ठीक है, तो आपके पास एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है मान ले आपके पास, ठीक है,
तो ये कॉइल है, तो बोर्ड का बोर्ड बोर्ड क्या कॉइल है, बोर्ड इस प्लेन में तो रखा है, अरे इसको कॉइल कह दूं मैं, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल का नॉर्मल किधर होगा, ऐसे, कॉइल का नॉर्मल किधर होगा, ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल की क्या है, पैरेलल है, प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर है, सॉरी। अब ये सिचुएशन क्या है कि ये कॉइल जो है, देखो ये कॉइल है, कॉइल का नॉर्मल तो आउटवर्ड ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस केस की बात करूं, इस केस की पहले, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इस, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है इसके पैरेलल, या ऐसे जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर डायरेक्शन लो इधर लो, ठीक है। इस कॉइल का नॉर्मल किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के पैरेलल है, अब इस कॉइल का नॉर्मल किधर होगा, आउटवर्ड, नॉर्मल किधर होगा, आउटवर्ड, ठीक है। अब इस सिचुएशन में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। अब इस केस की बात करती हूं मैं, इस केस की, इसमें कह रहा है कि प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, मतलब कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो देखो ए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस दीवार से ऐसे आ रही है, या अंदर जा रही है, इस दीवार के बाहर जा रही है, कोई भी रीजन, जीरो है या 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। इस कॉइल का नॉर्मल तो हमेशा आउटवर्ड ही होगा, इस बोर्ड का नॉर्मल तो आउटवर्ड ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है और नॉर्मल भी आउटवर्ड है, तो थीटा क्या बना, जीरो, क्योंकि तुम्हें एंगल किसके बीच में चाहिए, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चाहिए। तो इसलिए क्या, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्लेन का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही आएगा, बोलो, तो दोनों बीच में थीटा या तो जीरो बनेगा या फिर 180 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, 180 डिग्री, या तो जीरो या 180 डिग्री। तुम ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, तुम ये भी कह सकते हो एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, जनरली एरिया वेक्टर को बाहर ही मानते हैं, ठीक है, इसलिए ये जीरो का ही केस लेते हैं। तो इसलिए क्या होगा, देखो दोनों बाहर आ रहे हैं ना, इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी बाहर आया और आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी तो बाहर ही आएगी ना, अरे या तो बाहर या फिर अंदर, एक ही डायरेक्शन जाएगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे, है तो परपेंडिकुलर, तभी ना, तब थीटा क्या बन जाएगा, जीरो, तब आपके पास थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा, ई एन बी ए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या, जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा उस केस में आपका, जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। दूसरा देखो किससे, केस सेकंड, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। क्यों, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल जा रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन का पैरेलल तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ये इस प्लेन का पैरेलल होगा ना, ठीक है। इसके इस प्लेन का आउटवर्ड एरिया वेक्टर तो बाहर ही आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, अरे नॉर्मल तो आउटवर्ड ही होगा, बाहर की डायरेक्शन में होगा इसका। तो ये अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री बना ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल होगी तो थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री, और जब मैग्नेटिक प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। इस बात को ध्यान रखना कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल भी तुम्हें ध्यान रहता है, जीरो उल्टा लग जाते हो बच्चे, तो जब प्लेन के पैरेलल है तो थीटा क्या बनेगा बच्चों, 90। तो यहां पे एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो जब इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा आपके पास, एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मैक्सिमम। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, बताइए।
इस बोर्ड को क्या मानो, प्लेन, ठीक है। ये बोर्ड प्लेन है, ये क्वाइल है, ये क्वाइल इस बोर्ड को प्लेन मान लिया, ये ऐसे रखी हुई है क्वाइल, ठीक है। अब इस क्वाइल का नॉर्मल तो आउटवर्ड होगा, ठीक है। मैंने पहले केस में लिखा मैन प्लेन ऑफ द क्वाइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, तो बाहर के डायरेक्शन में आ रही है, देखो तो एरिया इस प्लेन का नॉर्मल तो हमेशा इधर ही होगा ना, इस बोर्ड का नॉर्मल तो हमेशा बाहर के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक केस में ऐसे आ रही है, तो अब इन दोनों एंगल किसके बीच में लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल किसके बीच में लेना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मार्कर, मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला मार्कर, और जो ये ब्लू वाला मार्कर जो है, ये वाला मार्कर तो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है ब्लैक वाला, और ये ब्लू वाला क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्मल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है नॉर्मल। तो देखो ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में थीटा क्या बना, जीरो ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। थीटा क्या बनेगा, जीरो। दूसरा देखो, दूसरा केस देखो, अब की बार दूसरे केस में क्या, वेल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इस ये मार्कर इस प्लेन के पैरेलल है, ये मार्कर इस प्लेन के पैरेलल है और इस बोर्ड के पैरेलल है, लेकिन इसका नॉर्मल तो ऐसे रहेगा ना, इसका नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल तो प्लेन का चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हो, मैग्नेट को कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन प्लेन का नॉर्मल चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो प्लेन का नॉर्मल तो ऐसे आउटवर्ड ही रहेगा क्योंकि क्वाइल उसी प्लेन में रखी है। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन होता है कि बच्चा ये समझ लेते कि पैरेलल है तो जीरो और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, लेकिन लैंग्वेज समझो, वो कहता है हमें एंगल किसके बीच में चाहिए, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में, ना कि प्लेन के साथ, हमें प्लेन के साथ एंगल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जब वो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा जीरो बनेगा, और जब वो पैरेलल होगा तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड और ये नॉर्मल, तो दोनों में थीटा कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है। अब समझ आया या नहीं आया बताइए, एक बार मैसेज करिए, बोल दीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट है पर्टिकुलर तो पूछ लीजिए, बोल दे माइक में बोल सकते हो आप लोग, बोलिए। आ गया, ठीक है, बोला आ गया मैम, ठीक है बेटा, ठीक है, नोट करो फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन देखिए पहले, ए रेक्टेंगुलर क्वाइल 200 टर्न्स, क्वेश्चन कह रहा है ए रेक्टेंगुलर क्वाइल 200 टर्न्स ऑफ वायर 15 × 40 cm, ठीक है, 50 revolution per second अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्वाइल जो है आपके पास अबाउट एन एक्सिस, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है कोई, तो इसका ये एक्सिस होगा, ठीक है, ये इसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर कह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी दे रहे हैं, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल, व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल, ध्यान से सुनना, प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, कितना, 0, 60 and 90। तो मैंने दो केस तो अभी बात करी, वेल प्लेन ऑफ द क्वाइल पहले बात करते हैं, 60 की तो बाद में बात करेंगे, पहले 0 की बात करते हैं। वेल प्लेन ऑफ द क्वाइल, पहला केस, वेन प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स एन एंगल 0 degree विद द मैग्नेटिक फील्ड, विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के पैरेलल है, 0 degree मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के क्या है, पैरेलल है, 0 degree क्या बता रहा है,
कि ये प्लेन है, ये बॉल एक प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके पैरेलल है और क्वाइल ऐसे रखी है। तो क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड, क्वाइल का नॉर्मल कैसे होगा आपके पास, नॉर्मल इसके अपवर्ड होगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास ऐसे देखो, इसमें ऐसे बनाते, इसमें समझ नहीं आएगा, इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वाइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन है, तो इस प्लेन का नॉर्मल किधर होगा, आउटवर्ड ना। अरे ये देखो ये, तो ये नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों में थीटा कितना बना 90 डिग्री, दोनों में थीटा कितना बना आपका 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल क्या कितना लिखोगे, ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी लिखोगे 90 डिग्री। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताइए। वेल प्लेन ऑफ द क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा क्या बना रहे, जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। प्लेन ऑफ द क्वाइल, ये मतलब ये क्वाइल है, ये ऐसे रखी हुई है, समझो ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है, देखो 3D में दिखाऊं तो ये क्वाइल ऐसे है, इसका नॉर्मल ऐसे होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस क्वाइल की पैरेलल, ये क्वाइल है, ये क्वाइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री, क्योंकि तुम्हें प्लेन के साथ एंगल नहीं चाहिए, तुम्हें एंगल किसके साथ चाहिए, नॉर्मल के साथ। ये स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो ध्यान से इस पिक्चर को, ध्यान रखो, इसीलिए मैं इसको अलग से बनाती हूँ कि ये इस प्लेन का नॉर्मल और ये एंगल थीटा, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है, ना कि प्लेन के साथ वाला एंगल है। तो थीटा कितना लोगे यहाँ पे 90 डिग्री, ना कि जीरो लोगे, कितना लोगे 90 डिग्री। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। मैं इस चीज को यहां बना रही हूं, ये क्वाइल हो गई, ये क्वाइल का नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। बताओ एक बार माइक ऑन करके बोलो, बोलो बेटा बताओ जल्दी बोलो, आ गया समझ में, ठीक है। तो थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री, अब सब कुछ गिवन है, बस यही समझना था। इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन दे रखा 200 टर्न्स, एन कितना दे रखा 200, एरिया वेक्टर 15 × 15 सेंटीमीटर के मीटर बना लेना, क्या बना लोगे, सेंटीमीटर के मीटर बना लेना, तो ये बन जाएगा आपके पास, मैं लिख लूँ अलग अलग पहले, एरिया वेक्टर कितना बनेगा 15 × 40 सेंटीमीटर, तो इनके मीटर बना लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 600 सेंटीमीटर बनाना ये, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 10^-2 हो जाएगा। अरे 600 आया तो इसके सेंटीमीटर में आएगा ये, तो इसके मीटर बना लोगे 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया वेक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बी, कितनी दे रखी है 0.08 मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एन मिल गया, एन 200 टर्न्स दे रखा है, एन मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया, ओमेगा ये दे रखा है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कितना दे रखा है 50, तो सब वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू कितनी रख दोगे 90 डिग्री, साइन की वैल्यू कितनी रख दोगे 90 डिग्री। एक बार इतना लिखो, फिर मैं इधर से जगह बनाती हूँ, लिखो एक बार जल्दी से, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ये ओमेगा नहीं है, फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी एफ, एफ दे रखी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नोट हो गई, इधर से हटा दो मैं, ये देखो इधर इसपुट कर दो वैल्यू सारी, फ्रीक्वेंसी हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा क्या होता है 2π f, तो f क्या बन जाएगा आपके पास ओमेगा अपॉन में, अरे ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 2π f, तो ओमेगा बन जाएगा 2π f कितना है 50, तो ये 100π बन जाएगा, 100π बन जाएगा, पुट करो, e की वैल्यू क्या है, e
ये आया 600 इंटू 10^-2, बी 0. एन कितना? 200, पहले एन रख लो, 200 एरिया 6 आ जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 6 आ जाएगा। बी की वैल्यू 0.08, नंबर ऑफ टर्न्स रख दिया एन बी ए और ओमेगा, ओमेगा कितना 100 pi साइन 90। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लो इसको, तो ये बनेगा 200 इंटू 6 इंटू 8/100 इंटू 100 pi, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये बना 6×48 × 2 9600 pi। अब पाई की वैल्यू पुट करके और सोल्व कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। पाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर लेना, लेकिन एल वैल्यू किसकी आ जाएगी? आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप एंगल देखो, सेकंड केस, सेकंड केस में क्या कह रहा था वो, कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का प्लेन के साथ, मतलब कि व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल का नॉर्मल यहां कहीं है, ये कॉइल का नॉर्मल है, ये क्या है? कॉइल का नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कॉइल का नॉर्मल, तो देखो हमेशा कॉइल का जो नॉर्मल है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। वो एंगल कितना बनाएगा आपका? 90 डिग्री। देखो यहां से समझ नहीं आता, इस 3D के अंदर इससे समझाती हूँ। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये प्लेन के कॉइल, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, लेकिन मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया कॉइल को। अब इसका नॉर्मल तो ऐसे ही है ना, देखो ये कॉइल का नॉर्मल तो ऐसे बाहर ही आएगा, कॉइल का नॉर्मल तो बाहर ही आएगा ना, देखो ये यहां से ऐसे, देखो ऐसे बन गया, तो इस कॉइल का नॉर्मल तो बाहर ही है, तो ये इसके साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और ये एंगल कितना बना रहा है प्लेन के साथ? 60। तो इस नॉर्मल के साथ एंगल कितना बचेगा आपका? 30 डिग्री एंगल बचेगा ना। अरे ये देखो, ये प्लेन है, दूसरा मार्क कर लो क्या, ये प्लेन नॉर्मल है कॉइल का, ये कॉइल का नॉर्मल है, कॉइल ऐसे रखी है, ये कॉइल का नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक कॉइल का नॉर्मल तो ऐसे रहेगा, पहले कॉइल का नॉर्मल ऐसे था, बिल्कुल परपेंडिकुलर था, अब कॉइल का इसका नॉर्मल ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पहले बिल्कुल सीधी जा रही थी ऐसे, ठीक है, अब वो थोड़ी तिरछी हो गई यहां से, तो ये जो एंगल बचेगा आपके पास, ये वाला एंगल यहां से देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले कॉइल ऐसे थी, तो ये एंगल नॉर्मल और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब कॉइल तिरछी हो गई, अब इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ये देखो यहां से सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, तो ये एंगल आप जो बन रही है यहां से, ये तो पूरा 90 डिग्री है, नॉर्मल के साथ तो एंगल चेंज नहीं होगा, नॉर्मल तो कॉइल का वही रहेगा, लेकिन प्लेन चेंज होगी, थोड़ी ट्विस्ट होगी पोजीशन से, तो वो कह रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री, तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बचा मैग्नेटिक फील्ड का? 90 - 60 कितना बचा? 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बचेगा? 30 डिग्री का, पुट कर दीजिए, तो ई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एन बी ए ओमेगा की वैल्यू आई हुई है, कितनी आई हुई है? 9600 pi और डिवाइड बाय 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। समझ आई है बात सभी को? अब आ रही है साउंड, सही आ रही है? बताइए एक बार, ये समझ आया या नहीं आया कि पहले तो ऐसे रखा हुआ था, अब वो उस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है? थीटा क्या बना रहा है? 90 डिग्री, मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? प्लेन के पैरेलल।
इक्वेशन बन जाएगी। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? जीरो। तो जब आपके साइन जीरो जीरो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस केस में क्या बन जाएगा बच्चों? आपका जीरो। ठीक है, नोट करिए जल्दी सी, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन एथलीट पैडल्स ए स्टेशनरी साइकिल। ठीक है, हूज पैडल्स आर अटैच्ड टू द कॉइल। पैडल जो है किससे कनेक्टेड है? किसी कॉइल से कनेक्टेड है। जो घुमा रहा है पैडल्स को तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, हैविंग द 100 टर्न ईच ऑफ द एरिया। टर्न नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे दी? 100। एरिया कितना हर एक का? 0.1 मीटर स्क्वायर। द क्वाइल लाइंग इन एक्स वाई प्लेन रोटेटेड इन सच ए वे, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी? 50 रूट पर मिनट। आरपीएम का मतलब 50 रूट पर मिनट, मिनट को सेकंड में बदल दो, मिनट को किसमें बदल दोगे? सेकंड में। तो एफ कितना आ जाएगा? 5/6। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है कितनी? बी की वैल्यू दे रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.1 टेस्ला। ये सीबीएसई बोर्ड 2013 में आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई बोर्ड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा क्या? मैक्सिमम ईएमएफ बताइए। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम ईएमएफ बताइए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कितना था जब वो रोटेट करेगी कॉइल? तो एन बी ए ओमेगा, यही था आपके पास ई नोट की वैल्यू। अरे साइन 91 हो जाता है उस चीज में। फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है पैरेलल टू द प्लेन होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन होती है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द प्लेन होती है, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, मतलब ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया? एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, यही पूछा है। तो देखो नंबर ऑफ टर्न दे रखी है क्वेश्चन में, मैं यहां से हटा रही हूँ। लिख लिया होगा ना क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन लिख लो जल्दी, स्नेह लिखा है तो नोट कर लीजिए। मैं हटा रही हूँ एक बार, यहां से जल्दी नोट कर लो। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहां से हटा रही हूं, तो मेरे पास E कितना आ गया? एन बी ए ओमेगा। E N कितना? 200। मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला। एरिया 0.1 दे रखा है मीटर स्क्वायर, 0.1। नंबर ऑफ ट्रांस एन बी ए ओमेगा। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf। तो 2π इंटू एफ कितना आपका? 5/6। तो 10/2 से 3 कैंसिल, तो 5/3π आ जाएगा। ये तो यानी तो 5/3π। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। कुछ नहीं, पावर ही तो बैलेंस करनी है। 100, ये 1/100, ये 1/10, ये 5/3 इंटू 3.14। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल देती हूँ। 100 से 100 कैंसिल, मैं 3.14 को अप्रोक्सीमेटली 3 लिख देती हूँ, बाकी तुम कर लेना कैलकुलेशन। तो ये बन जाएगा 3 से 3 मैंने मान लिया, बस थोड़ा सॉल्यूशन इजी करने के लिए। लेट तुम पूरा करोगे, मैंने मान लिया लेट 3.14 कितने के बराबर है? 3। तुम पूरा सॉल्यूशन करोगे तो ये बनेगा 5/3 इंटू 10 इंटू 3, 3 से 3 मर गया तो 5/10, तो 0.5 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी जनरेट होगी उसमें। ठीक है, नोट करिए। सेकंड वर्ड में पूछा था एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो कल बताया था कंपोवर द कंप्लीट साइकिल, तो कंप्लीट क्लोज लूप में कल ही बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? जीरो ना,
नेगेटिव, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर कंप्लीट साइकिल, क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जितना एक बार साइकिल ऊपर घूमेगी उतना ही नीचे घूमेगी, जितना वो पॉजिटिव बनाएगी उतना ही वो नेगेटिव बनाएगी पूरी कंप्लीट साइकिल में। तो नेट ईएमएफ क्या बन गया आपका? जीरो। कल वैसे बताया था कि पूरी साइकिल घूमेगी तो पूरा सर्कल बनाएगी, किसी भी क्लोज लूप में टोटल ईएमएफ ऑलवेज क्या होता है? जीरो। एवरेज ईएमएफ क्या होगा आपका? जीरो। क्या आएगा इसलिए इसका आंसर आपका? जीरो। बताओ समझ आया? ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के अक्रॉस क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आप लोग बुक्स जरूर रेफर करा करो, जो भी बुक आपके पास है बुक्स को जरूर फॉलो करा करो। वीडियो लेक्चर सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए है, मेहनत आपकी तब कसरत तभी होगी जब आप बुक से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स लगाओगे, बुक के कंसेप्ट भी पढ़ोगे। ये सभी बच्चों की मेरी एडवाइस है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक।